व्यस्त दिनचर्या और प्रतियोगिता के दौर में चिड़चिड़ापन और ज़्यादा गुस्सा आना बेहद आम बात हो चुकी है। जी हाँ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस और प्रेशर लोगों में इस परेशानी के सामान्य कारण होते हैं। गुस्से में आपा खो देना अब लोगों के स्वभाव में शामिल हो चुका है। जी हाँ, ऐसे में अधिकांश लोग इस ओर कम ध्यान देते हैं कि जबकि गुस्सा आना कई स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि किन खतरनाक बीमारियों के प्रारंभिक लक्षणों में ज्यादा गुस्सा आना अथवा चिड़चिड़ापन शामिल है। जी हाँ, वो बीमारी है बर्न आउट। आपको बता दें, ये बीमारी ज्यादा काम करने, स्ट्रेस लेने या फिर कम नींद लेने के कारण होती है। आपको बता दें कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई लोग अपनी रोज़मर्रा की व्यस्त जीवन के कारण थका हुआ या फिर अधिक परेशानी में महसूस करते हैं, जो बर्न आउट नामक बीमारी का रूप ले लेता है। आपको बता दें कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को बात बात पर गुस्सा आ जाता है। दूसरी बीमारी है थायराइड। आपको बता दें कि शरीर के ज़रूरी ग्लैंड थायराइड में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो शारीरिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। जब शरीर में यह हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाता है तो लोग हाइपोथायराइड से पीड़ित हो जाते हैं। वहीं इस हार्मोन की कमी से लोगों को अधिक गुस्सा भी आ सकता है। तीसरी बीमारी है हाई ब्लड शुगर। आपको बता दें कि डायबिटीज की शुरुआती लक्षणों में भी मूड स्विंग्स देखा जाता है। चिड़चिड़ापन या फिर ज़्यादा गुस्सा शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने के कारण भी आ सकता है। बता दें कि पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन जब शरीर में कम मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है तो इससे लोगों का बर्ताव काफ़ी बदल जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत से अधिक गुस्सा आता है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसा हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हाँफना, जल्दी थक जाना, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न या फिर अधिक पसीना आना भी हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं। तो आपको भी अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें और इसकी जांच ज़रूर कराएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। किरणी आयुर्वेदा से सुरभि की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।